ब्लॉकबस्टर मूवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एन स्टूडियोज और बेल आइकॉन दबाएं। जो है फास्ट वो रहेगा आगे ये। और बाकी सब ऐवे भागे ये। जो है फास्ट वो रहेगा आगे ये। और बाकी सब ऐवे भागे ये। 12G वाली जो स्पीड है इस जनरेशन की नीड है, आज ले जी भर के सभी टेंशन करके उस प्लैनेट पे भेज दे। चाहे हार या जीत हो, सेलिब्रेट। चाहे सॉरी या स्वीट हो, सेलिब्रेट। अपनी सोच है ये नहीं, चाहे ये जिंदगी, अच्छे दिन है यही। अपनी ये जिंदगी सेलिब्रेट। चाहे हार या जीत हो, सेलिब्रेट। चाहे सॉरी या स्वीट हो, सेलिब्रेट। अपनी सोच है ये नहीं, चाहे ये जिंदगी, अच्छे दिन है यही। पता है फ्यूचर बेफिकर बेखबर हर घड़ी सेलिब्रेट। है चाहे हार या जीत हो, सेलिब्रेट। चाहे सॉरी या स्वीट हो, सेलिब्रेट। अपनी सोच है ये नहीं, चाहे ये जिंदगी, अच्छे दिल है। मैम, सिलेबस में कुछ चेंजेस करें, मैं आपको सारी डिटेल्स। मैडम, प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिए। मैडम, मैडम तो लंच मीटिंग पे गए, पर लंच के लिए मुझे बुलाया था आपको। हाँ वो सर, ये लंच मीटिंग तो 2 हफ्ते पहले फिक्स हो गई थी। तो फिर फोन मुझे किसने किया? अच्छा, मेरे साथ लंच करोगे? I am so रेफरी गॉट रोल्ड। 3 महीने का ट्रिप है। 3 months? पूजा की डिलीवरी जो है। हाँ, congratulations. Thanks. इसी बहाने अमेरिका में वेकेशन हो जाएगा हमारा। वेकेशन? और तुम? यश एक्चुअली इंसिस्टेड। And he's right. You know, बाद में वो MBA करने US चला जाएगा तो भी ब्रेक कब मिलेगा? You know,
यू आर अ वेरी लकी चैप। नहीं तो आजकल के बच्चे खुद वेकेशन मनाते हैं, पेरेंट्स के बारे में कोई सोचता नहीं है। यश वैसा बिल्कुल नहीं है, इनफैक्ट मेरे पीछे ऑफिस वही हैंडल कर रहा है। ओके, सी यू, बाय। यू नो सबरवाल इंडस्ट्रीज के सारे कस्टमर्स हमें फोन करते हैं और हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि वो सबरवाल इंडस्ट्री से नहीं बल्कि हमारे कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं, और ऐसा ही रहना चाहिए। I know that. He's your client. He's not just a client. He's family. In fact, जब मैं struggle कर रहा था अपना business शुरू करने के लिए, तो ये एक लौता इंसान था जिसने मुझे help किया। अपनी company का सारा business इस call center को दिया उन्होंने। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ उनके वजह से हूँ, और ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। और इसलिए बहुत जरूरी है बेटा कि मेरे पीछे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ओके श्योर डैड। सर पेपर्स। वर्मा जी थैंक यू। ये लो भाई, पावर ऑफ अटॉर्नी, मेरे पीछे तुम यहां के बॉस। अरे बैठ। या हाउ डज इट फील? फील्स गुड। ओ हाँ, एक एफडी है जो मच्योर होने वाली है, उसको रिन्यू करा लेना। तेरा एजुकेशन फंड है वो। ओके ओके डैड। लकी ब्रो। हाँ सुनना, थोड़ा पैसा मिलेगा? I'll return it for sure. अबे यार, तूने सट्टा वट्टा तो शुरू नहीं कर दिया ना? Look, something is wrong with my phone. ये मंथ का बिल 8500 आ गया। 8500? हाँ। अपने सर्विस प्रोवाइडर से चेक कर, तू अपना प्लान बदल, नहीं तो एक्सपेंसिव गर्लफ्रेंड बदल। मेरे पास अभी मैं लौटा दूंगा, वापस कर दूंगा मैं। 2000 रुपए हैं। तू ये रख, मैं बाकी बाद में देता हूँ। थैंक यू। वासु, वासु भाई, वो जो तेरी कुड़ी है, उसकी कोई सिस्टर विस्टर है या नहीं? अपना मामला फिट करवा दे यारा। No need to return the money. पुचको, तू भी चलता तो? अरे सिस की डिलीवरी में मैं क्या करूंगा माँ? हाँ? और ऑफिस कौन संभालेगा? अगर मैं आता तो डैड नहीं आ पाते। एंड मोर बोथ ऑफ यू नीडेड अ ब्रेक, क्योंकि जब से तुम दोनों को देखा है सिर्फ काम करते हुए देखा है। और वैसे भी अगर अब एंजॉय नहीं करोगे तो कब करोगे? ये लीजिए। यही बात मैंने बरसों से कह रही हूँ, लेकिन तूने कहा तो फौरन मान गए। मैंने कौन सी बात मान ली भाई, मुझे भी बताओ। हा? कुछ नहीं, बस यही कि पुचकू बड़ा हो गया है। अरे बड़ा हो गया तो फिर पुचकू बुलाना बंद करो ना। अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का टाइम आ गया है। मेरा पुत्र मेरा ऑफिस संभालेगा क्यों बेटा? कुछ भी हो, मेरे लिए पुचकू रहने वाला है। पुचकू माँ, तेरा फ्यूचर बिल्कुल ब्राइट नहीं है पुचकू। ये अमाउंट 5 महीनों से पेंडिंग है, अभी तक क्यों नहीं आया? उनका अकाउंटेंट लीव पर है। वर्मा जी, आई थिंक वी शुड स्पीक टू समवन हायर। अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं, हमें भी आगे पेमेंट्स करनी है जी। वासु। हाय यश। आप उनको एक बार रिमाइंड करा दीजिए, पेमेंट्स आ जानी चाहिए। आ जाएगी, डोंट वरी। थैंक यू। हाँ वासु, थोड़ा काम था। बोल। क्या पिएगा बैडी? वोडका। टू हेल्प योर सेल्फ लकी बी डांसिंग। Out.
जिद्दी कर यार। चले भी चल 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 यार। कहाँ पे? क्या? अरे वही। क्या वही? अरे यार वो यार अबे यार कोक। हाँ कोक कोक। हाँ हाँ कोकेन। अबे हाँ अबे तुम दोनों पागल हो गए क्या? मुझे नहीं करना ये सब। अबे अरे क्या कर रहा है यार ब्रो? यश कुछ कर यार। देख हाँ। देख अगर कोक होगा तो पार्टी होगी। हाँ। पार्टी होगी तो कुड़िया होंगी। हाँ। कुड़िया होंगी तो मेनू चांस मिलेगा। हाँ। रब्बा एक कुड़ी पट जाए बस। यश हो गया तू बचा ले भाई। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा। अरे यार सॉरी भाई। क्यों? अरे यार तू समझ ना फंस जाएगा इसको। अरे नहीं चल यार तू चल यार चल 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 अरे चल यार तू। So, who's going first? Rinku? Rinku. Sush, why don't you try? Achha, chill. I'll go first, okay? Okay. Let me do this. ठीक है ना? हाँ शाबाश। योर टर्न। कम ऑन कम ऑन कम ऑन सुश। तुम लोग पता भी है तुम लोग कर क्या रहे हो? अरे क्या कर रहे हैं? थोड़ी सी कोक कर रहे हैं और क्या? Stop being such a little girl. Listen you. What? Hey, Anu, baby. सिर्फ थोड़ी देर की तो बात है जस्ट। Yeah? Okay. Hey, you come with me. आराम से यार अनु। ये है कोक। टेस्ट नहीं करोगी? नहीं यश। You know I don't like all this. Do you trust me? Yeah. शुगर? ब्राउन नहीं व्हाइट शुगर मतलब शक्कर। ओह या और वो सर एक सेकंड तुम्हें सच में लगा था कि मैं कोकेन ले आऊंगा? हाँ ले। आई नो आई एम अ बैड बैड बॉय बट सीरियसली कोकेन नो वे। एंड मोरओवर अनु ये ड्रग्स का आधा सीन तो ना साइकोलॉजिकल है। इट्स लाइक माइंड गेम्स यू नो जो हमारा दिमाग चाहता है हमें वही दिखता है। Yash baby. Yeah baby. What are you doing here? What am I doing here? Chalo na. Mind games. Come, join yeah, let's us. Lucky. Thoda sa try kar. Thoda sa. Bahut zyada nahi. Nahi. Par maza bahut aaya. Sweet. Sardar sweet. Kitty tu bhi sweet. स्वीट मैं भी स्वीट हम सब स्वीट। तुम लोग को एक सीन दिखाओ ओके जस्ट वॉच। केटी तो कितनी स्वीट है कोयला के पता नहीं तू क्या कर रहा है मम्मी
केटी मेरे साथ जबरदस्ती कर रही है। क्या कर रहा है यार? कामयाब बिजनेस का रूल है, सोचो समझो और फिर आगे बढ़ो। जल्दबाजी से कोई लड़ाई जीती नहीं जाती, लेकिन ये रूल जिंदगी की किताब में ही लिखा है, एक्सपीरियंस के चैप्टर में जो मैंने पढ़ा नहीं था। डैड का बिजनेस एक्सपैंड करने की मुझे जल्दी थी। जो बिजनेस मेरे डैड ने सालों में जमाया था उसे मैं दुगना करना चाहता था सिर्फ कुछ ही महीनों में। मैं भाग के आगे निकलना चाहता था, यू नो, फास्ट फूड, फास्ट कार्स, फास्ट लाइफ। आपको तो पता है मैं मानता था जो फास्ट है वो फर्स्ट है। यश मेहरा, इंडियाज ओन मार्क ज़करबर्ग। यश बनाएगा मेहरा कॉल सेंटर को इंडिया की नंबर वन कंपनी। क्या यार, तेरे अमेरिका में कोई क्रिकेट का चैनल तक नहीं है क्या? पापा वॉच बेसबॉल नो। हाय माँ। हाय यश बेटा। हाउ थिंग्स? सिस कैसी है? और भी मोटी हो गई होगी ऑब्वियसली। या वेटिंग फॉर द बिग डे। तो कैसा है पुचकू? खाना ठीक से खा रहा है? हाँ बाबा, खाना सिस को खिला। शी इज एक्सपेक्टिंग। आई एम नॉट। लो। ओए। और ऑफिस कैसे चल रहा है? एवरीथिंग इज फाइन स्मूथ डैड, डोंट वरी। तू है तो मैं क्यों वरीड होऊंगा भाई? गुड। ए सुश। ये। आई विल शो यू। अनु जूस। ओए लकी, डेट कैसी थी? नथिंग हैपेंड यार। व्हाट? मूवी के बाद मैंने उसे उसके घर पे ड्रॉप किया। उसके पेरेंट्स नहीं थे ना घर पे। ओहो, देन वुड यू लाइक टू कम अप फॉर सम कॉफी? कॉफी? ब्रो स्कोर। देन क्या? I was not ready यार। इंडिया में एक्शन कम्स आफ्टर 3 डेट्स। और मेरे शॉर्ट्स फटे हुए थे यार। शॉर्ट्स के नए पैर थे मेरे पास, लेकिन वो तो मैंने तीसरी डेट के लिए रिजर्व करके रखी थी ना। तो भाई मैंने कह दिया यार उसे, आई डोंट लाइक कॉफी, नेक्स्ट टाइम। तो ब्रो व्हाट नाउ? नाउ अब मैं उसे फोन करूंगा, नेक्स्ट डेट फिक्स करूंगा विद माय न्यू शॉर्ट्स। ए यश, क्या कभी तुझे सुश कॉफी के लिए घर लेके गई है क्या? ब्रो कई बार। यार तो तू रोज इन्हें शॉर्ट्स पहनता होगा। एग्जैक्टली। क्या बात है यार, ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड। लेट्स गो। ये रोज नए शॉर्ट्स कैसे पहन सकता है यार? क्या बात कर रहा है? यश बेबी चले यार। ये चेक कैसे बाउंस ओवर? मुझे बैलेंस नहीं था। व्हाट? हाँ, और इन लोगों का पेमेंट भी बाकी है। गेट मी सबरवाल इंडस्ट्रीज, देयर जीएम मिस्टर मेहता, कॉल ऑन हिज सेल। या बेटा, इनका पेमेंट आ जाएगा, हम भी सप्लायर्स का पेमेंट थोड़ा डिले कर देंगे। नहीं कर सकते वर्मा जी, सप्लायर्स से स्पेशल डिस्काउंट लिया, अगर पेमेंट टाइम पे नहीं किया तो मशीन वापस ले जाएंगे। हेलो यश। यश सर, ये आपका 5 महीनों से पेमेंट पेंडिंग है। मैं अभी बिजी हूँ, कैन आई कॉल यू लेटर? लेटर? इससे पहले भी हमने आपको फोन किया था, कोई ना कोई एक्सक्यूज मिलता है, कभी अकाउंटेंट लीव पे, कभी कुछ और। लिसन यंग मैन, कूल डाउन, मैं अभी बिजी हूँ, आई विल चेक। चेक क्या करना है?
मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? हाँ, और ये भी कोई तरीका होता है मिस्टर मेहता बिजनेस करने का? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमें आपका काम बंद करना पड़ेगा। ओके तो कर लो। हेलो हेलो बेटा, सैलरीज भी बाकी है। अरे कहाँ से देंगे, बैंक बैलेंस तो जीरो है। इस हफ्ते में पेमेंट आ जानी चाहिए वर्मा जी। ओके सर, मैंने आपकी कंप्लेंट नोट कर ली। लेकिन कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि गलती आपकी है। आपने सबरवाल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट खरीदा ही क्यों? ए, ये देख क्या रहे तुम? हाँ, और ऐसे ही जवाब देना है सबरवाल के कस्टमर्स को, तभी शायद उनकी अगर ठिकाने अगेन, देन दे विल पे अस। लेकिन सर, ए, तुम्हें सैलरी चाहिए या नहीं? ओ साहब, क्या है? केटी मैडम है क्या अंदर? पैसे लगेंगे इस इंफॉर्मेशन के। क्या? अरे लकी, केटी, तुम इस जिम में जाती हो? हाँ। मुझे पता ही नहीं था। क्या झूठ बोलते हो साहब, क्या झूठ बोलते हो? 3 दिन से तो यही चक्कर काट रहे हो आप। ये कैसी? हाय 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 हाय, क्या बोलूं? याद आया, केटी। हाँ? नथिंग। हाँ? एनीथिंग, आई मीन उस दिन मैं तुम्हारे घर नहीं आया ना, क्योंकि मेरी फटी हुई थी, मतलब मेरे शॉर्ट्स फटे हुए थे, बिल्कुल मेरे सॉक्स की तरह। अब तुम ये पूछोगे कि फटे हुए शॉर्ट्स और कॉफी का क्या रिलेशन है? अरे तो डायरेक्ट रिलेशन है। सक्सेस ऑफ अ डेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द होल्स इन द शॉर्ट्स। अब फटे हुए शॉर्ट्स में मैं डेट पे कैसे आता? नए शॉर्ट्स भी है मेरे पास, आई वांट कि तुम मुझे उसमें देखो। वो मैंने बहुत पहले लिए थे, अब वो आउट ऑफ फैशन है, बिल्कुल बड़े शॉर्ट्स फिर से फैशन में आ जाएंगे। वही पोलका डॉट शॉर्ट्स, होल्स शॉर्ट्स, कॉफी, पप्पे, क्या बोल रहा है? होल्स शॉर्ट्स कॉफी, सो क्यूट। इट्स ओके लकी, आई अंडरस्टैंड। यू डू कॉफी? सर। हेलो सबरवाल, आपकी सर्विस के बारे में कंप्लेंट है। सर्विस में प्रॉब्लम है? हाँ, अरे सबरवाल इज अ ब्लडी फ्रॉड कंपनी, पेमेंट देती नहीं, सर्विस क्या देगी? हेलो देव। डैड अपना फोन मुझे देखेगा, आप मुझसे बात कीजिए। बात तो कर चुका, वजह जान सकता हूँ? वजह आप अपने मेहता को पूछिए। वो बोल रहा था कि आप हमसे बिजनेस नहीं करना चाहते, इज दैट ट्रू? क्यों करे, पेमेंट टाइम पे नहीं देनी तो बिजनेस क्यों देते हो? हेलो हेलो, सर्विस अच्छी नहीं लगी तो बोलना चाहिए ना क्या प्रॉब्लम था। देखिए आपकी इंक्वायरी हमें 7 बजे मिली, 6 बजे हमारा ऑफिस बंद हो जाता है। क्या 8 बजे तक ऑफिस खुला रखे, पेमेंट बढ़ाएंगे आप? ठीक है, हमें आपके साथ आगे से बिजनेस ही नहीं करना, हमारा पेमेंट कर दो। व्हाट, कंपनी बंद कर रहे पर हमारा पेमेंट? इंस्टॉलमेंट्स? नो सर, यू कांट डू दिस। हेलो। हाँ हाँ पता है सर, यस आई नो, पेमेंट 2 महीने के बाद ड्यू हुए, पर मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है तो मुझे लगा कि कल तक ये फंड्स आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। थैंक यू सर। ये फंड्स देव साहब ने 23 सालों में छुआ नहीं है, तुम्हारी पढ़ाई के लिए है, ये FD भी तोड़नी है और कोई चारा भी तो नहीं है। Yes, Dad. Any good news? Any day now. तुम्हारी मॉम पूजा के साथ घर पर ही है। मैं तुम्हारी सारी यूनिवर्सिटीज एक एक करके देख रहा हूँ। By God, एक से एक बढ़कर है।
तुम्हें सारी डिटेल्स ईमेल कर दूंगा, चेक इट आउट ओके। एंड गेस व्हाट, यहां की जो लाइफ है, एवरीबॉडी इज इन द फास्ट लेन। तुम हमेशा कहते हो ना, जो फास्ट है वो फर्स्ट है। यू लव इट हियर सन, बाय बाय डैड। बाय, थैंक यू, बाय सर। सारे चेक्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। ये आपका चेक। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तुम ही रख लो बेटे। वर्मा जी, अब आप भी और कहीं जॉब देख लीजिए, क्योंकि यहां तो अब कोई बिजनेस बचा ही नहीं है। अरे तुम एक बार सबरवाल जी से बात क्यों नहीं कर लेते बेटे? एक्सपैंड कर दिया, सोचा डैड का बिजनेस जल्दी से डबल कर दो। नो मनी नो क्लाइंट्स, और सेविंग्स भी खत्म हो गए। बट डोंट वरी ब्रो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। डैड को सब बता दो, ही सजेस्ट अ वे आउट। हे यश, डैड सारा बिजनेस गया। क्या हुआ यश की इतनी याद आ रही है? हार्ट अटैक हो रहा है। नो यार, आई कांट टेल हिम। I've already spoiled everything, अब उनका वेकेशन स्पॉइल नहीं करना चाहता। डैड के आने से पहले सबरवाल का बिजनेस वापस लाना ही पड़ेगा। That's the only way out. Wow, great idea. But how? Mr. सबरवाल से मिलके उनसे माफी मांगो। Impossible. सबरवाल is a big man. और बेबी ने उनसे झगड़ा कर लिया है। अब तो वो यश से मिलेंगे भी नहीं। ओए! उनकी गड्डी लेके भाग जाते हैं। हाँ। हेलो सबरवाल, बिजनेस वापस कर दो वरना गाड़ी तोड़ दूंगा। नो प्रॉब्लम, इंश्योर है, नहीं आएगी। ओए, उनकी बीवी को किडनैप कर लेते। हाथ मत लगाना, मुझे बता रही हूँ। बिजनेस वापस कर दो सबरवाल, वरना तुम्हारी बीवी खत्म। अच्छा है, मार डालो, वो भी नहीं आएगी। ही इज कंसर्न अबाउट हिज इमेज, कुछ ऐसा करो जिससे उनकी इमेज बिगड़ जाए। डैडी डांस, नो डन। बिजनेस वापस कर दो सबरवाल, वरना तुम्हारी ये असलियत फेसबुक और ट्विटर पे चली जाएगी। हैशटैग सबरवाल की असलियत। ए बेबी वासु। देखो, आपका बिजनेस ले लो, मेरा बिजनेस भी ले लो, लेकिन ऐसा मत करो प्लीज, वापस दे दो, बिल्कुल मत करो प्लीज, प्लीज। नहीं यार, बेबी
रोलर्स हो गए ना नाउ जस्ट अ मिनट बेबी आई एम वेरी बिजी आई हैव टू डिसाइड स्ट्रॉबेरी पिंक और फ्यूशिया पिंक हाँ फ्यूशिया पिंक ही लगाती हूँ अच्छा आई विल टॉक टू यू लेटर ओके बाय हाय अनु हाय यश बात बनी नोला कनु मेहता ने बिजनेस बंटी और उसके डैड को दे दिया ओ आई एम सो सॉरी यश अरे व्हाई आर यू सेइंग सॉरी एंड डोंट वरी आई विल बी ओके यश हे टुडे इज द बिग डे मैं मामा बन गया No, तेरा बर्थडे है भूल गया Happy birthday to you. Happy birthday, dear Yash. Happy birthday to you. Oh, my baby. अबे यश के बच्चे इतना काम कर अपना बर्थडे भूल गया तू हा? देखो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अरे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी तेरे स्टाइल में Yes. We're going clubbing, baby. I miss you, Dad. अरे यार अभी से मिस करेगा तो अमेरिका कैसे जाएगा तू हाँ यश यश एवरीथिंग ओके यार डैड एवरीथिंग इज फाइन यश तू एक काम कर आज रात को अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी कर तू और पैसों की बिल्कुल चिंता मत कर ओके कम पड़े तो ऑफिस के अकाउंट से ले लेना यस डैड हे सन हैव अ ग्रेट टाइम ओके यू टू डैड We love you, beta. Yes, we love you. Meri bike. Meri bike. Hey, meri bike kisne girai? अरे गाड़ी पार्क करनी थी ना हटाने गया तो गिर गई तूने मेरी बाइक गिरा दी तू ये अपनी गाड़ी और क्या नहीं लगा सकता था कहाँ लगाएगा पार्किंग फुल है ना तो अपने घर पे जाके लगाना तू गाड़ी अरे पार्किंग करना था ना इसलिए खड़ा किया मेरी बाइक खड़ी है अबे ठेका लिया क्या बाइक का मैंने तो मेरा ठेका ए छोरा क्या हुआ क्या हुआ मतलब इस गधे ने मेरी बाइक को ठोका ठोका नहीं बाइक हटाने गया तो गिर गया इसका बाइक तूने ए छोरा ठोका भी तो क्या हुआ हां आजकल शहर में गाड़ी हो या टीवी बाहर निकालोगे तो कोई ठोकेगा ही क्या किया तूने ये पकड़ ये क्या है अपने सेट को जाके बोलना इस शहर में गाड़ी और टीवी बाहर निकालोगे तो कोई ठोकेगा ही समझा लगेगा बका ए गाड़ी निकाल लकी लेट्स टेक आवर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल नेक्स्ट लेवल शी वांट्स मैरिज पैडी भाई हाउ डज वन ब्रेकअप दे फटे फोन चालू हो गया तेरा बिल भर दिया हाँ क्या बात है वासु गर्लफ्रेंड की हर बातें हाँ बोल रहा है हाँ फिर हाँ
फालतू बात। गर्लफ्रेंड ही है ना, शादी वादी तो नहीं कर ली? ओ अच्छा, इसकी तो देख देख देख, तू जरा मुझे बात करने दे भाभी से। हेलो भाभी। भाभी से बात करनी है तो अपने फोन से क्यों नहीं करते स्वीट हार्ट? स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी इतना एक्साइट क्यों होते हो? कंट्रोल करना सीखो। रिया को जल्दबाजी पसंद नहीं है। बाय द वे, आई एम रिया, रंगीली रिया। अबे क्या हुआ? क्या तुम मुझे अपनी बाहों में लेना चाहोगे? चुप क्यों हो, जवाब दो ना, घबरा गए? कभी? इसे क्या हुआ, ये भी हिप्नोटाइज हो गया क्या? इसकी तो अरे चल। हेलो, हाय हैंडसम, तुम भी वही हो? तुम लोग वहाँ पार्टी कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं बुलाया? हम साथ में एंजॉय करते, एक से भले दो, दो से भले तीन और चार हो जाए तो। I love company. या फिर तुम मुझसे अकेले में मिलना चाहते हो? Why not? Why not? Paddy, तुम भी? है कौन फोन पे? मैं होंगी, तुम होगे और तन्हाई होगी। सोचो, मेरे साथ, रंगीली रिया के साथ। कौन है? कोई नहीं है रिंकू। रिंकू कौन है पैडी? अरे कोई नहीं है। ये क्या कर रहा है? तू कर, अरे क्या कर रहा है तू? रिंकू अरे कम मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, लेकिन मिलने की इतनी जल्दी क्या है? थोड़ी देर और बात करो ना, मैं जानू तो सही कि तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो। मैं तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ। मैं वो करूंगी जो तुम सोच भी नहीं सकते। मैं तुम्हारी हर विश पूरी करूंगी। मैं हूँ रंगीली रिया। मिल गया। क्या? पैसे बनाने का रास्ता। क्विक मनी। व्हाट? 20-25 दिन बिजनेस करेंगे और सारी सेविंग्स इकट्ठा हो जाएगी। व्हाट बिजनेस? बिजनेस? पार्टी टॉक लाइन। पार्टी टॉक लाइन। वासु, हाँ? एक मिनट का कितना लगता है? एक मिनट का 5 रुपया। और तू कितना टाइम बात करता है? सिर्फ 2-3 घंटे दिन के। हैं? व्हाट? 2-3 घंटे? 2-3 घंटे? हाँ, 3 घंटे दिन के। हाँ, मतलब 90 घंटे महीने के। वो पार्टी टॉक लाइन वालों का एसएमएस आया था, मैंने सिर्फ ट्राई किया। हाँ? अरे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी गाइस, मजा आया तो और बात की, फिर और मजा आया तो और बात की, और अभी तो आदत हो गई है। मतलब पार्टी टॉक इज एडिक्टिव, ड्रग्स की तरह। दिस बिजनेस हैज पोटेंशियल। बट बेबी, हम बात क्या करेंगे? पार्टी टॉक इज टॉकिंग डर्टी, पर कैसे? 36 24 36। हाय, नशीली तन्हाई में आपका स्वागत है। आपने 36 24 36 डायल किया है। अगर आप किसी लड़की से बात करना चाहते हैं तो 1 दबाइए। अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो 1 दबाइए। फॉर इंग्लिश प्रेस 2 और अन्य भाषाओं के लिए 3 दबाइए ना बटन। अगर आप किसी चहेती लड़की से बात करना चाहते हैं तो उसका नाम टाइप कीजिए। RIYA। तो तुम मेरे पास आ ही गए, नॉटी। मैं भी तुमसे बात करने के लिए बेकार थी।
नाम क्या है तुम्हारा? मैं वासु। अरे मेरा नाम क्यों ले रहा है? मैं थोड़ी ना पहचानेगी। अरे हम रोज बात करते हैं। तो जैसे लाखों फोन करते हैं उसे। रिया भी कोई और होगी, रोज बदलती होगी। जिसने फोन उठाया वो रिया बन गई। इडियट। चुप क्यों हो गए? मेरे साथ करो ना। कुछ बातें? अब क्या बोलूं? कुछ भी। वैसे तुम्हारी आवाज कितनी सेक्सी है। थैंक्स। तुम्हारी भी आवाज बहुत सेक्सी है। तुम्हारी आवाज सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि उड़ता गुलाब जैसे, चांदनी ख्वाब जैसे, नशीली रात जैसे, रिया के साथ जैसे। क्या कर रहे? मिंट के 5 रुपए लगते हैं गधे। अबे तेरी ने उसकी आवाज सुना? उसकी। एक सेकंड। ओह, तो तुम्हारे साथ और भी लोग हैं? हाँ, मेरे दोस्त। दोस्त है तो नाम भी होगा। हाँ, पैड़ी। और कोई नाम नहीं मिला तुझे? I am lucky. अबे मेरा नाम क्यों नहीं? How sweet. Wow. 3 friends. अच्छा हुआ तुम रिया के पास आए। तुम तो तीनों साथ हो, लेकिन मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अभी मैं शॉवर ले रही हूँ। मेरे बदन से पानी की बूंदें गिर रही हैं, वो भी धीरे धीरे। मेरा बदन इतना लचीला है कि पानी जल्द से जाता ही नहीं। मुझे देखो, देखो ना, मैं सर से लेके नीचे तक पूरी गीली हूँ। गीली हो तो कपड़े पहन लो, सर्दी हो जाएगी। हाँ। बस बहुत हो गया। It's vulgar. Nice. Vulgar नहीं, sexy, enticing, titillating. What? रिया आपको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ले जाती है। वो कितनी खूबसूरत है, आप उसके साथ क्या क्या कर सकते हो, ये सब कह के रिया आपको एक काल्पनिक दुनिया में ले जाती है। ताकि आप उससे बातें करते जाएं और अपने फोन का मीटर बढ़ाते जाएं। जितना लंबा कॉल उतना लंबा बिल और उतना ज्यादा प्रॉफिट। आइडिया तो अच्छा है। तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी? या तूने तो कहा सिर्फ बात करनी है। इट्स नॉट वल्गर, इट्स सेक्सी एंड एंटाइसिंग। कौन सी लड़की से? आप कैसी लड़की से बात करना चाहोगे? यंग, स्मार्ट, सेक्सी, जो मुझसे अच्छी बातें कर सके। अरे कोई भी लड़की चलेगी मेरी बीवी के सिवाय। बिकनी पहने, बेवाज, बेब जैसी। सर आपकी इनकम कितनी है? इनकम? तुम इनकम टैक्स से तो नहीं हो? मेरी इनकम जो भी है, तुझे क्या? बिल भर दूंगा, लड़की तो बता। तुम लोन रिकवरी एजेंट तो नहीं हो? और जी शादी हो चुकी है आपकी? याद दिला के घाव पे क्यों नमक छिड़क रहा है भाई? वो पहले सेक्रेटरी थी, अब मेरी बॉस है। नहीं, कोई लड़की है आपके पास? हाँ, शादी हो चुकी है, इसीलिए किसी अच्छी लड़की से बात करना चाहता हूँ जो मुझे भी बोलने का मौका दे। अच्छा, लड़की पे कितना खर्चा करोगे? अरे खर्चे का चिंता नहीं है, करेगा खर्चा करेगा, लेकिन घर पे पता चलना नहीं चाहिए। मनी, नो प्रॉब्लम, मेरे डैड का क्रेडिट कार्ड है ना। लड़कियों पे खर्चा कौन नहीं करेगा? फोन तो सस्ता है, डिनर पे जाओ तो पता चलेगा। लड़कियों का काम होता है सिर्फ ऑर्डर देना, पहले वेटर को बाद में बॉयफ्रेंड को। फॉरेनर इज बेटर, अगर बात जम गई तो आगे भी कुछ करने का चांस तो मिले। साउथ इंडियन? अच्छा, हेलो जी, सब हीरोइन अभी तो साउथ इंडियन ही होना ना। हेमा मालिनी, श्री देवी, ऐश्वर्या राय, दे ऑल आर वेरी सेक्सी यू नो। ओए कुड़ी किधर की भी हो, सेक्सी होनी चाहिए। प्रियंका का फिगर, अनुष्का का अंदाज और कटरीना के कपड़े होने चाहिए। ओ नहीं 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 नहीं, वो सबका वॉइस एक डाम डाल होता है। सेक्सी बांग्ला लड़की होता है, जैसे बिप्स बिप्स बिपाशा बोसु। देखा, नाम लेते ही करंट लगता है। गाइस गाइस गाइस,
हमने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक ये मैनुअल बनाया है। ओके, रिया, प्रिया, टीना, मीना सबसे बात करके हमने ज्यादा से ज्यादा देर तक लोगों को बातों में फंसाए रखने का तरीका ढूंढा है कि किससे कैसे बात की जाए। Nice. Yeah, but guys, हमें ना एक सैंपल स्टडी कर लेना चाहिए। गुड आइडिया, पर ट्राई किस पे करें? डैड, आई वॉन्ट टू स्टडी फर्दर। हेलो, हाय हैंडसम, हू इज दिस? इना, मीना, टीका, जो भी हूँ मैं। मुझे मेरे नंबर से बुला। 00 36 24 36 00 36 24 36। अच्छा लगा। हाँ, मेरी बहुत सी बातें तुम्हें और भी अच्छी लगेंगी, पर पहले मुझे कुछ अपने बारे में तो बताओ। मैं क्या बताऊं? सब कुछ। One second. तुम्हें मेरा नंबर किसने दिया? पता लगा लिया, तुम बहुत फेमस हो बंटी। Well, बंटू, किसका फोन है? अरे फोन बाद में कर लेना, पहले खाना तो खा लो। खाना खा रहे हो? अकेले अकेले। बेबी, मैं खिलाऊं? मम्मा भी हैं। तो मुझे मिला दो। Hey, listen, can we meet sometime? इतनी भी क्या जल्दी है? पहले Let's get to know each other. जानने के लिए तो मिलना चाहता हूँ ना। मिलके क्या करोगे? Naughty boy. मिलो ना, please. बंटी, पहले खाना खाओ। मेरा हो गया? पेट भर गया तेरा? खाया ही क्या है तुमने? भूख ही नहीं है। भूख नहीं, लेकिन I'm really, really hungry. तो मिलो ना। ओके, बताओ कहाँ मिलूं? घर, घर, घर। तुम्हारे घर आऊं? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे बेडरूम में तुम और मैं। Yes, please मिलते हैं। एड्रेस तो दो। बंटी, वो बंटी। पापा। कमेंट, कमेंट। बंटी। एक मिनट पापा, एक मिनट। अरे सो गया क्या? नो, घर पे नहीं, घर पे नहीं। डर गए? फिल्म देखने चलते हैं ना? लेट नाइट शो जाते हैं। थिएटर में तो कोई नहीं होगा, सिर्फ अंधेरा होगा। कुछ करोगे तो नहीं? करो भी तो क्या है, मजा आएगा। मजा, मजा। ओके डन, कब मिले? आज, 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 आज। आज रात 10:30। चिंचपोकली, टेल हिम। मैड कैप्स थिएटर, चिंचपोकली। चिंचपोकली? वहाँ लाइट्स बहुत जाती है ना, सिर्फ अंधेरा होगा। ओके, चिंचपोकली। सी यू, बाय। बाय, सी यू सून। चिंचपोकली, हियर आई कम। ओए डैम गुडी यारा, 7:35। 7 मिनट? गाइस 28 रुपीस। वो बेचारा चिंचपोकली पे क्या करेगा अकेला। हेलो, अडवाणी हियर। हाय हैंडसम, हु इज दिस? इना, मीना, टीका, कोई भी हो। खाना तो मेरे नंबर से बुलाओ ना। ओ ओ, 36 24 36। आज रात 10:30, मैडकैप थिएटर, चिंचपोकली। वहाँ लाइट्स चली जाती है ना, अंधेरा जल्दी हो जाता है। Feel two things, very naughty, naughty. Bye. See you. चिंचपोकली। How long was it? Yeah. कितना टाइम? ओए बेटे से भी डबल। कितना? 13 मिनट। साला ठरकी बेटे का ठरकी बाप। 65 रुपीस। गाइस, ये बिजनेस चलेगा चलेगा। अरे तोड़ेगा तोड़ेगा। गाइस, व्हाट डू वी कॉल दिस बिजनेस? लड़कियों से अनलिमिटेड बात विद सो मच मस्ती एंड शरारत। ब्रो,
टाइटल चाहिए, सबटाइटल नहीं। गाइस गाइस मस्ती या हाउ अबाउट कॉल इट फन, कॉल इट फन, कॉल इट फन, साउंड्स गुड, नाइस, आई लव इट, वेरी गुड यार, कॉल इट फन, कॉल इट फन, कॉल इट फन, कॉल इट फन। बोलना क्या है? फोन पे बात करनी है। क्या बात करें? जो जी में आए। आप अपने पति से क्या कहती हैं? चुप रहिए। आप अपने बॉयफ्रेंड से कैसे बात करेंगी? क्या कहूँ, खुद ही समझ जाओ, मुझे शर्म आती है। आप प्लीज स्क्रिप्ट पढ़िए। मेरे रस भरे होठों पर तुम्हारे मर्दीले हाथ लगे। छी, ये कैसा डायलॉग है? किसी एडल्ट फिल्म की डबिंग है क्या? नो मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगी बताओ, तुम मुझसे क्या करवाना चाहोगे? जस्ट कमांड एंड आई विल ओबे। व्हाट इज दिस? ये नारी मुक्ति के खिलाफ है, अबला नारी का शोषण है, तुम मर्द समझते क्या हो? अरे अरे आंटी, सिर्फ डायलॉग्स हैं ये। नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अरे नहीं आप मैम, यू मीन मुझे किसी अनजान आदमी से ये कहना है? नो वे, कुड बी फन, आई एम कूल विद इट। Let's party tonight. I'll make you explode with pleasure. No, 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 no. Stop. Yeah. Stop. Please. Only talk. On the phone? But I need to get in the mood. Wait, wait. Hey, Vasu, Lucky, Paddy. Take a two. Shut up, guys. Set. Okay. it's okay. You can go now. Bye. Hi. Raunchy Rita. क्या कर रहे हो तुम? अकेले अकेले? नहीं नहीं. ऐसे नहीं. और सेक्सीनेस लाई आवाज में। Hi, this is naughty Nina. Very good. थोड़ी और फील, थोड़ी मस्ती। मस्ती करनी है तो फोन पे क्यों? यहीं आ जाओ ना मेरे रोमियो, मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगी। नो 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 नो, ऐसे नहीं। देखिए, सामने वाले को आवाज से अट्रैक्ट करना, क्या क्या हो सकता है उसका अंदाजा देना। तो ऐसे बोलो ना, सिर्फ दो ही बटन खोलने हैं, ट्रेलर दिखाना है, पूरी पिक्चर नहीं। हे प्लीज, जैसा मैनुअल में लिखा है आप वैसा बोलिए ना। रिंकू, लकी मैं कुछ हेल्प करूं? डाउन, लिटिल डाउन। लकी सेट, सोश रेडी, ओके, केटी दैट, या अनु थोड़ा सा, या या ऑलराइट, गो, लकी डन, ओके, मैं समझ गया, समझ गया, चल, ओके, ऑल सेट गाइस। Hi, are you lonely? Come talk to lovely Layla. क्या आप अपनी बीवी की बकबक से ऊब गए हैं? मेरी जैसी खूबसूरत हसीना आपसे बात करने के लिए बेकरार है। तन्हाई में हाँ मर दूं, क्यों ना एक दूसरे को थोड़ा जान ले? Call. Oh, oh. 36 24 36 और कॉन्टेक्ट अस call@fun.com। आपका इंतजार रहेगा। Talk to me, baby. Hey, सारा दिन फोन से चिपके रहते हो, किससे बात कर रहे हो? डैड दिखाओ, डैड 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 डैड, हेलो डैड डैड, हाँ श्योर, बाय। कौन है ये? मतवाली मीना। मुझे इसका नंबर दे। मीना मेरी है डैड, आपको चाहिए आप वो नॉटी नीना ले लो। हाँ, वो भी चलेगी। वो भी अकेली है। So call at 00 36 24 36 and log into call@fun.com. Hello. Yeah. Hari Ash, लेट पास नहीं है, हॉस्टल में एंट्री नहीं मिलेगी। क्या? Okay. Bye. Bye. मैंने सब फोन कंपनी से बात कर ली है, अगर वो मिनट का 5 रुपए चार्ज करते हैं तो हमें 70% देने को रेडी है। ओए, क्या बात कर रहा है यार, मतलब कॉल के हर मिनट पे हमें मिलेगा 70 × 5/100 3.5 रुपीज। Not bad. It's damn good, guys. Guys, the posters are ready. One. मतवाली मीना। नॉटी मीना।
third one, finally. Oh, lovely. Call at fun. Yeah, call at fun. But guys, we need a tagline. Yeah. Call fun. Call at fun, hai na? Guys. Huh? How about talk around the clock? Phone karo har roz. Guys. All set? Yes. हेलो आगे शुश बात कर कम ऑन स्पीक अप या बोल शुश स्पीक अप से सम कौन आप कौन क्या कर रही है से सम सॉरी रॉन्ग नंबर कह के फोन मत काटिए क्योंकि यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं यहाँ सिर्फ तुम हो और मैं हूँ और है हमारी तन्हाई हाय आई एम रॉन्ची रीटा आई एम जिग्नेस हाय क्या कर रहे हो तुम मैं ऑफिस में हूँ किसके साथ अकेला हूँ क्यों सेक्रेटरी आज छुट्टी पे है हाँ तुम्हें कैसे पता अरे अगर सेक्रेटरी होती तो मेरी याद थोड़ी ना आती तुम्हें हाँ बराबर स्मार्ट हो क्या करती है तुम्हारी सेक्रेटरी तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत खुश रखती होगी ना हाँ एटले शी इज माय पीए ना पर्सनल असिस्टेंट कितनी पर्सनल मुझसे भी ज्यादा मेरा पर्सनल टच फील करोगे तो उसे भूल जाओगे जिग्नेश मीटिंग के लिए आ रहा है कि नहीं हाँ आता हूँ जाना होगा बॉस ने मीटिंग के लिए बुलाया है तो मीटिंग में मुझे नहीं लेके जाओगे प्यार का मजा छुप छुप के करने में नहीं है मीटिंग में हम रोमांस करेंगे खुल्लम खुल्ला अरे लेकिन बॉस पकड़ लेगा तो उसे भी मेरा नंबर दे देना हैं तुम उसके साथ भी बात करोगी जेलस जिग्नेश मैं नहीं मेरी फ्रेंड करेगी हाँ एम तो बराबर स्मार्ट हो लेकिन तुमसे कम ही जानू जिग्नेश नीड टू गो अभी तो आए भी नहीं और जाना है आया ना क्या तुम्हारे पास कल भी आओगे हाँ रोज ओके बाय आई विल बी वेटिंग फॉर यू बाय आओ जो बाय वेरी नाइस अनु यू वर सुपर्ब ओए पूरे 8 मिनट लगे यार कितने यस 8x5 ₹40 Thank you.
देर कर दी आने में। रीता तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। डार्लिंग। डार्लिंग? कौन डार्लिंग? मेरा तो एक ही डार्लिंग है, तुम जाने मन। 15 साल से मेरी बीवी ने मुझे जाने मन नहीं बोला, तुम कौन हो भाई जो मुझे जाने मन बोल रही हो? डार्लिंग नहीं, जाने मन नहीं, तो क्या बोलूं? स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट? अरे कौन स्वीटहार्ट? कौन है? मुझे फोन दो। कोई माल वहाँ भी है। एक आइटम बगल में और तुम मुझसे यू यहाँ फोन पर। डबल मजा, डबल फन। एक बात तो बताओ, तुम्हारी आइटम दिखती कैसी है? जैसे भी दिखती हो। मुझसे बेटर नहीं हो सकती। मैं हूँ 36। 24 36। वो मेरी आइटम नहीं, मेरी बीवी है। ओह सॉरी, तुम्हारी बीवी आ गई इसलिए डर गए? अरे डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। नहीं, तुम्हारे बाप से डरता हूँ? नहीं डरे तो फोन चालू रखू ना, जाने मन। अरे क्या बात करनी है तुमको? बात नहीं करनी, कुछ और करना है। तो चलो कुछ और करते हैं। तुम जो बोलोगे वो करेंगे, खुल्ला खुल्ला तुम्हारी बीवी के सामने। उसे भी तो पता चले कि तुम एक पक्के मर्द हो। What do you mean? मतलब दो। हेलो पुचको को फोन दो। पुचको? रीटा से बात करो ना, रांची रीटा से। पुचको की क्या जरूरत? राउंड नंबर था। फोन काटा। अरे यार फिर आया। हेलो डार्लिंग। वापस आ गए? पता था श्रीता को कोई भूल ही नहीं सकता। बीवी का ही क्या? रॉन्ग नंबर। साला ठरकी, बुढ़ा कूसर। पहले कॉल करता है फिर डर के मारे कॉल कट कर देता है। साले को किसी पुचकू से बात करनी है। पुचकू? या पुचकू? Hello. Darling. It's my dad. Shanti Rita was waiting for you. Darling. Darling. अरे तुम हो कौन? Oh sorry, sweetheart. क्यों काटा? बोलने देना था ना? साले बुड्ढे को इतना घुमाती ना। फिर से आए तो लाइन अंदर देना, और ये ऑफिस लाइन है, इसको यहाँ के सिस्टम से निकाल दो। Okay. फिर से आया। एक मिनट, तुझे कैसे पता चला कि ये मेरा फोन है? इंट्यूशन डैड, इंट्यूशन। ये सब छोड़ा डैड, सिस्टर बेबी घर आ गए? अरे आ गए हैं, इसी तो फोन कर रहा हूँ तुझे यार। ले बात कर अपनी सिस्टर से। अच्छा नहीं, सबसे पहले तो एक काम कर, तू अपने फोन की कंप्लेंट कर। इससे पहले मैंने 3 बार फोन किया, तीनों रॉन्ग नंबर लगे, और कोई लड़की उठाती है। कुछ अजीब सी बातें करती है, वो अलग टाइप की। यहाँ पे ना यूएस में वो फ्रेंडशिप लाइंस हैं, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। लगता है अभी इंडिया में भी शुरू हो गया ये। डैड ये क्या होता है? नो नो डैड, वो किसी ने मजाक किया होगा डैड, यू नो रॉन्ग नंबर। प्रैंक डैड, प्रैंक। अरे क्या मजाक? वैसे ये सब छोड़ो ना डैड, से बात कराओ ना। काय का प्रैंक। हेलो यश। हाय मोटी, कैसी है? सॉर्टेड। हमें आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं तुम्हारी जवानी को सुख हो we
एजुकेशन फंड इज नाउ कंप्लीट। कांग्रेचुलेशंस। अब अगर अंकल आ भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे नहीं, पैसे तो आ गए पर अंकल का बिजनेस वापस कहाँ आया है? ये बिजनेस तो है इतना प्रॉफिटेबल। देव साहब ये बिजनेस कभी नहीं करेंगे। पर क्यों? तुम डैड को नहीं जानते। एंड गाइस, दिस बिजनेस हैज टू स्टॉप। डैड अपने क्लाइंट्स वापस ले आएंगे। आवर जॉब इज डन। या सर, लेट्स सेलिब्रेट। जब खून में इतना जुनून है के फर्क ना हमें किसी डिग्री का, ये जो व्हाइट कॉलर जॉब्स या हो जो मर्जी, नजर मेरी कभी भी फिसली ना, कागज की ताकत में ना हमारी पहचान, ब्रेन में ही सारा जग बदल दे, वो जमाना ये जमाना हमें तो कोई परवाह ना, सिंगल मनी देखो करते डबल रे, सीधा जोड़ा करके चलते हम, आने वाले कल से न डरे हम, कमा के कैसे लाते हैं पैसे और कैसे आगे बढ़ते हैं कदम, सीधा छोड़ा करके चलते हम, आने वाले कल से न डरे हम, कमा के कैसे लाते हैं पैसे और कैसे आगे बढ़ते हैं कदम। जब सुपरसोनिक ब्रेन है तब रोना गाना कैसा, मनी मनी कर अपना तेज दिमाग है तो मुट्ठी में है पैसा, मनी मनी में है पैसा, हो तेरे मेरे रास्ते पर हम भी सुपर कूल हैं, जब भी आवाज लगाएंगे आएगा दौड़ के पैसा, जब भी आवाज लगाएंगे आएगा दौड़ के पैसा, हाँ पैसा 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 आएगा दौड़ के पैसा, जब भी आवाज लगाएंगे आएगा दौड़ के पैसा। हमें ना समझाना कैसे हमें है कमाना, कैसे पैसा है बनाना, कैसे है जमाना, क्योंकि अब का जो दौर है वो कुछ और है, पहले जो दौर था वो अब बोर है, ये पैसा ये शोहरत सब अपना पीछे भागे, चलते हैं हर पल हम टाइम से थोड़ा आगे, जमाना कदमों पे अपने देखते दिन में भी सपने, एक्शन टाइम से पहले नहीं कुछ बाद में सोचे, ऐसा होता है ये सुपारी पकड़। आ, 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 आ,
तो ये पकड़ सुपारी। भाई पैसा इसने चोरी किया था भाई, मैंने नहीं किया था। दोस्त है ना तेरा, अब दोस्त ही नहीं बा। जाने दो ना भाई, जाने दो ना भाई। तू वही है ना जिसने मेरी गाड़ी को उंगली की थी। लेकिन आपने ही तो कहा था कि गाड़ी हो टीवी, अगर गाड़ी हो या टीवी, घर से बाहर निकालोगे तो कोई ठोकेगा ही। पर वो मेरी गाड़ी थी, डाबला सुपारी की। तुम लोगों ने क्या सोचा, डाबला सुपारी की गाड़ी का एक्सीडेंट करोगे? लाखों का ड्रग्स था उसमें, सब बेकार। डाबला सुपारी नाम है मेरा, मेरे बाप का सुपारी बेचने का धंधा था, मैंने एक्सपांड किया। अब मैं सुपारी लेता भी हूं। अब इसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी ही होगी। बोलो कब देते हो माल के बदले माल? माल के बदले माल? 30 लाख का माल बिगड़ गया है, देना पड़ेगा। 30 लाख? अरे मामूली रकम छे भाया। अब डाबला सुपारी का माल कोई बिगाड़ नहीं सकता ना, नहीं तो डाबला सुपारी को कोई सुपारी क्यों देगा? मारो तो धंधो चौपट ने भाया। बोल क्या रे आपे छे 30 लाख? पैसे तो नहीं है मेरे पास। वो मैं ना जानू, फोन किसका है? तेरा फोन है। बेबी फोन उठा ले, उठा ले, नहीं तो लगेगा कि तू गया किधर। बताना नहीं तू किधर है, नहीं तो तेरी ये दोस्त सुपारी खाने के लिए भी जिंदा नहीं बचेगी। हेलो। ए स्पीकर ऑन कर। हे यश। हाय डैड। गेस कर मैं किसके साथ बैठा हूं। डॉन कॉर्लियोने, शिकागो का सबसे बड़ा क्रिमिनल। जस्ट बम्प्ड इनटू हिम इन अ रेस्टोरेंट। इसे भी इंडियन फूड बहुत पसंद है, कैन यू इमेजिन? अरे और सुन, क्या आदमी है ये, क्या कहानी है, क्या किस्से है इसके। अरे यहाँ का डी है ये, डी। अरे डी छोड़, यहाँ का ए टू जेड है ये। तो ओसो खून करके बैठा हुआ है ये, और उसूलों का इतना पक्का है कि अगर इसकी कोई बात ना माने ना, he makes him an offer he can't refuse. सीधा गोली मार देता है। But you know what? बेचारा रिटायर हो गया है। He's only a consultant now. But you know what? Only in America, man. Only in America. अरे ऐसा डॉन तुझे कभी मुंबई में दिख सकता है क्या? नहीं डैड, नो। एक मिनट बात करेगा तू? बात कर रहा था। नो 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 डैड। क्या नींद में है क्या तू? हाँ डैड। हाँ ना। अरे सॉरी, सो 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 जा सो जा। But this is too exciting. Too exciting. Good night. Bye bye bye. Have fun, Dad. मैं रखता हूँ डैड। बाय 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 बाय। अच्छे टाइम पे फोन किया तेरे बापू ने। बोल 30 लाख रुपया कब देता है? डाबला जी, 30 लाख तो नहीं है मेरे पास। लेकिन थोड़ी थोड़ी दे सकते हैं। कहाँ से? ठीक है, 30 लाख रुपया किश्तों में देना। वो क्या कहते हैं तुम्हारी भाषा में? हाँ, EMI. अरे 2 महीने में मेरा पैसा मुझे वापस चाहिए। दो महीने? नहीं तो डाबला सुपारी, डाबला सुपारी नाम है मेरा, तुम्हें उड़ाने में देर नहीं करूंगा। हमारी लाइन में सब कुछ फटाफट होता है। हाँ हाँ, बेबी को भी पता है, जो फास्ट है वो फर्स्ट है। वाह, अच्छा है, जो फास्ट है वो फर्स्ट है। ए, अभी फास्ट पैसों का इंतजाम कर, नहीं तो ऊपर जाने के लिए तू फर्स्ट होगा।
तू तो लगी गयो बच्चा। यार यश, 2 महीने में 30 लाख, इतने कॉल्स कहाँ से आएंगे? ओह नो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। I knew this will happen. ये देख तू, 30 लाख into वासु, 6,000 कॉल्स दिन के नहीं होगा। कितने? 6,000 6,000 कैसे होगा? एक दिन के? हाँ, पूरी दुनिया कॉल करेगी तो भी नहीं होगा। बेबी, सर्च करती हूँ हाउ टू मेक मनी। गाइस गाइस गाइस, आई हैव एन आइडिया, हम लेडीज के लिए भी पार्टी टॉक शुरू करें तो? लेडीज के लिए? व्हाट? लेडीज के लिए कस्टमर्स डबल हो जाएंगे। इमेजिन गर्ल्स फोन टॉक। ग्रेट आइडिया अनु, सुपर सुपर आइडिया। अबे लड़कियां तो रॉन्ग नंबर पे भी आधा घंटा बात करती है। डैडी सॉरी रॉन्ग नंबर। लेकिन यश, ये कुड़ियां पार्टी टॉक करेंगी क्या? पर्सनल प्रॉब्लम है। क्या कहो ना। बट डोंट टेल एनीवन। हाँ
मेरे पेरेंट्स मेरी शादी कराना चाहते हैं। मैं अभी शादी करना नहीं चाहती। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? पेरेंट्स को बोल दो। आई एम ओनली 20। व्हाट? 20 साल में शादी? स्टिल नॉट इनफ यार। गाइस, अगर हम ऑफिस रात को भी खुला रखे तो? रात को? 3 shifts। वासु, हाँ? अगर हम 3 shifts में काम करें तो? तो दो क्या, 1.5 महीने के अंदर श्री डाबला जी का पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हाँ, यस। और अपनी उंगलियां भी बचेंगी। हाँ, हाँ। कहाँ जा रही हो? वो ऑफिस समझ आप। इस वक्त? इस वक्त कौन सा ऑफिस खुला होगा? कौन सा काम है ऐसा तुम्हारा? वो ऑफिस के फ्रेंड्स पार्टी दे रहे थे तो। ओह, ये दो अकाउंट्स। अभी तक अकाउंट्स में कितना टोटल हुआ? देखता हूँ। कितना? हाँ, टैली हो रहा है। ओके। ओए, कनाडा में एक ब्रांच खोलते हैं। ओए बेबी, गाइस वी हैव अ प्रॉब्लम। 12 बजे तक घर वापस जाना पड़ेगा। मुझे भी। व्हाट? तुम सबको घर जाना है? और रोज रात को आ भी नहीं सकते? क्यों? रोज तो पार्टी का बहाना नहीं चलेगा ना, रात को हम लड़कियों का आना मुश्किल है। अब तो नाइट शिफ्ट बंद करनी पड़ेगी। पापे, कुड़ियों के बिना फोन पे बात कौन करेगा? हाँ हाँ। हम? हाँ? मतलब? मतलब हम लड़कियों की आवाज में बात करेंगे। ओए, हाँ? पागल हो गया है? अबे, सॉफ्टवेयर मिलता है, कंप्यूटर में इंस्टॉल कर, आवाज बदल जाएगी। अगर पैडी बात करेगा तो लगेगा कि रिंकू बोल रही है। नॉर्मली भी ऐसे ही लगता है। फोन। सॉफ्टवेयर ऑन किया? हाँ, ओके। जल्दी कर। हाँ, डन। ओके ओके। हाय हैंडसम। आई एम पिंकी। तुम्हारी पिंकी। सो गुड। ड्राइव कर रहे हो? मुझे भी साथ ले जाते? चलो, गाड़ी में क्या क्या नहीं हो सकता। तुम ड्राइव करोगे और मैं तुम्हारे बगल में बैठूंगी और फिर मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मेरे रसीले लाल होंठ और भी लाल हो जाएंगे सिर्फ तुम्हारे लिए। और फिर मेरी लिपस्टिक गिरेगी तुम्हारे पैरों के पास। फिर मैं नीचे झुकूंगी और नीचे से लिपस्टिक उठा लूंगी और फिर तुम गाड़ी रोक लोगे। फिर हम तुम्हारी गाड़ी के पीछे की सीट पर चले जाएंगे। सोचो वहां क्या क्या नहीं हो सकता। अरे रुको, पुलिस। पुलिस कुछ नहीं करेगी, हमें कोई नहीं देखेगा। अरे पुलिस है, नाकाबंदी। पुलिस ने भी तुम्हें पकड़ लिया? हाँ? जाओ, लेकिन फिर से पिंकी के पास जरूर आना, कल इसी वक्त। प्रॉमिस? हाँ, प्रॉमिस। रखो, फोन रखो। It works. तुम तो ओरिजिनल से भी बेटर थे। You are great, buddy. Wow, यार। ये मैंने? हाँ, बेबी। हाँ यार। हेलो, स्वीटी। हाँ। सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हारी स्वीटी? एक्चुअली मेरे लिए पहली बार है। ओह, तो वर्जिन हो? वैसे नहीं,
मैंने मैंने फोन पहली बार किया है जी। लोग मुझे स्मॉल्डी कहते हैं। Oh, how insulting. क्योंकि मेरा Don't be vulgar. जी मेरा दिल छोटा है जी। Oh, I'm so sorry. ये रहा लास्ट इंस्टॉलमेंट, अब 30 लाख हो गया पूरा। पूरा पैसा मिला तो लिख के दो। मैं लिख के दूं? हाँ, लिखना नहीं आता? ए, आता है। तो लिखो। वासु ये क्या कर? हाँ, देखो मैंने ले लिया, देखो। क्या लिखा ये? हाँ? ए, तू ही पढ़ ले। मुझे लिखना आता है, पढ़ना नहीं। वासु तुझे Bye. अनु या कुछ नहीं तुम आज अच्छी लग रही है। What we say? Sexy? What? Yeah, you know what I mean. Bye, Ash. I know what you mean. कहूं इतने जल्दी इतना रुपया तेरे पास आया कहां से? हाँ, लगता है ये सीधी उंगली से नहीं बताएगा। ए, इसकी उंगली टेढ़ी करो रे। हीरो, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी कोई बसंती ढूंढनी पड़ेगी। भाई, ये रही इसकी बसंती। छोड़ो, छोड़ो। वाह, इसकी उंगली बाद में काटेंगे। पहले इसे जरा देख तो ले, दिखाओ तो जरा। ए, उंगली दिखाती है। ए, इसकी उंगली काट रहे। सरस भाई, बहुत सरस। रुक जा, मैं बताता हूं। अब आया चूहा सुपारी के नीचे। हम फोन पे बात करते। ए, फोन पे नहीं, इधर ही बात कर। हम फोन पे बात करते। नहीं, मेरा मतलब कॉल सेंटर। फोन पे बात करने में इतना प्रॉफिट? जितना लंबा कॉल उतना ज्यादा प्रॉफिट। ए, उल्लू बना रहा है? पुलिस वाला समझ के रखा है क्या मुझको? हमसे तो कोई फोन पर इतनी लंबी बातें नहीं करता। मैं फोन पे बात करता हूँ और बोलता हूँ कि हेलो, मैं डाबला सुपारी बात कर रहा हूँ, तो सामने वाला फोन कट कर देता है। अगर हमसे कोई लंबी बात नहीं करता तो तुमसे क्यों करेगा? ऐसी क्या बात करते हो? क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो ना। मैंने क्या किया? नहीं भाई। क्या नहीं किया? तुम जब भी मुझे फोन करते हो तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगता है। मेरे दिल की धड़कन सुनाई देती है। नहीं 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 भाई। मैं सुनूं? छोरी, तेरे दिल की धड़कन इतने दूर से कैसे सुनाई देगी? पास आओ ना, मेरे नाजुक दिल पे अपने कान रखो, फिर सुनाई देगी। नहीं, नहीं, नहीं भाई। सरस सैंपल सारू छे, धंधो पसंद आवे मने। अब तो छोड़ दो। भाई, अब तो छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो धंधा कौन करेगा? अब वो तेरे अकेले का धंधा थोड़ी है,
तो मुझसे मिल, डाबला सुपारी तेरा नया पार्टनर। पार्टनर 70-30, 70 मेरा 30 तेरा। बिल्कुल भी नहीं। ए, डाबला के साथ भावताल। अच्छा है, अच्छा है, चल 60-40, 60 मेरा 40 तेरा। लेकिन ए, अब कोई झिकझिक नहीं है, तू तो लागी क्यों बका। Asking about us. शादी कब करोगे? शादी कभी भी कर लेंगे, क्या चलती है? हाँ? बेटा, जी? बेटा एक काम करोगे प्लीज, ये उस साहब को दे दो, वो जा रहे हैं उधर, उनको ये दे करो, जाओ प्लीज। जी दे करो, वहाँ जाकर दे करो प्लीज। सर आपका बैग। अरे सुनाई नहीं देगा उनको। अरे क्यों नहीं सुनेंगे सर, एक सेकेंड। सर आपका बैग भूल गए आप। सर बेटा वो भरा है, ही कांट हियर यू। हाँ उनको सुनाई नहीं देता है, जाओ भाग के जाओ, दे कर आओ उन्हें। सब सब आपका बैग। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। उन्हें सुनाई नहीं देता है ना, आपको पता है वो सुन नहीं सकते। हाँ काफी साल, 2-3 साल हो गए वो सुन नहीं सकते। उनका एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी में, और कुछ कान में लग गया उनको, काफी इलाज किया उन्होंने, went to the doctors, कुछ किया, but they couldn't do anything. He is deaf now, completely deaf. तो आप रोज उनसे बात क्या करते हैं? कुछ भी बात करते हैं हम लोग, पॉलिटिक्स, वेदर, माई हेल्थ, कुछ भी हम बात करते हैं। 10 मिनट के लिए मैं कुछ बोलता हूँ और 10 मिनट के लिए वो मुझे कुछ कहता है, बस एक दूसरे के प्रॉब्लम हम शेयर करते हैं, that's all. पर अगर वो सुन नहीं सकते तो आप प्रॉब्लम्स कैसे शेयर करते हैं? कोई हमारा प्रॉब्लम सुने समझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो हमारा प्रॉब्लम एक दूसरे को सुनाकर दिल हल्का कर लेते हैं, दैट्स ऑल। आपके घर पे कोई नहीं है? है ना, मेरे दो बेटे हैं, दो बहुएं हैं, 3 छोटे-छोटे पोते हैं, लेकिन मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं। मतलब मेरी बीवी गुजर जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला पड़ गया था। पिछले साल ये मिल गया मुझे, बस फ्रेंड बन गए, रोज आता है यहाँ बैठता है और मैं अपने दिल की बात उसे कह देता हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू किस लिए? उसकी बैग उसे देने के लिए और मेरे साथ बात करने के लिए बेटा। कई सालों बाद सर, कई सालों बाद किसी ने मेरे साथ इतनी बात की है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहा है? बंद कर। मेरा जीरो यहाँ। वासु बंद करना। Guys, I've realized कि शहर में लोग अकेले हैं। Imagine talking to a deaf guy knowing he's deaf. I think we should expand. Let's start a serious talk line, जो लोगों की problems को सुने। Lonely people के लिए helpline. Excellent. Nice. और बाद में हम ये कॉलेज फंड का बिजनेस बंद कर देंगे। बंद कर देंगे? क्या? क्यों? बंद क्यों? हाँ। We are making money. और अगर तुझे नहीं चला ना, then I'll take over. Yeah. It's not a nice business, Paddy. We should stop Collet Fund and start Collet Life. What? Collet Life. Collet Life. Interesting. Nice. Nice. Interesting. Sounds good, right? Sounds good. Yeah. Upload हुआ? जी डैड। मैसेज भेजो। अब सुनो आपके बच्चों की
करतूत। अब आएगा मजा। कितने करीब आओगे? क्या मुझ में खो जाने का इरादा है? मैं क्या करूंगी बताओ? मेरे हाथ धीरे से तुम्हें कस के तुम्हारी मर्दानगी को। समर जॉब के लिए ये काम, पैसे कमाने के लिए इससे और अच्छा तरीका नहीं मिला तुम्हें? यहाँ पर ऐसी हरकतें करते हो तो अब्रॉड जाकर क्या करोगे? कॉल गर्ल का रैकेट चला सकते हो तुम। बिल्कुल भरोसा नहीं रहा तुम पर। सुश को कैसे शादी करने दे तुम्हारे साथ? But dad, you stay out of this. Disgusting. बेबी मान जाना, मेरे डैड का बिजनेस ज्वाइन कर ले। What about my MBA plan? Cancel it. Baby, we'll get married. मेरे डैड भी मान जाएंगे और वो तो यही चाहते हैं। और जो मेरे डैड चाहते हैं सोच उसका क्या? इन बात बिजनेस करने कमाने की नहीं है, बात मेरे डैड के सपने की है। अरे वो सपना जो उन्होंने सालों से देखा है, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने खुद पे ना खर्चा करके मेरे पढ़ाई के लिए पैसा जमा किया। सुश, उनका बस एक ही सपना है कि मैं फॉरेन जाऊं और खूब पढ़ूं, और उनका वो सपना कब मेरा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मेरा वही सपना है सुश, मैं उसे तोड़ नहीं सकता। और मुझे छोड़ सकता है? तू थोड़ा इंतजार कर लेना यार। Why should I? तू मेरी बात नहीं मान रहा, मेरे डैड की बात नहीं मान रहा, मैं तेरी बात क्यों मानूं? I don't believe in waiting. और तू ही कहता है ना, जो फास्ट है वो फर्स्ट है। I don't think I can do this. मतलब? यश, it's over. सुश! मुझे नहीं करनी शादी सुश से। She asked me to marry her and join her father's business. I can't do this, Anu. मैं अभी शादी नहीं कर सकता। Relax, सब ठीक हो जाएगा। इस वक्त तुम ये सोचो कि हम बिजनेस कैसे चलाएंगे। अरे बहुत हो गया बिजनेस, बंद कर देते। बंद? टाबला को बोल देते नहीं होगा। बंद करोगे? इतना अच्छा धंधा कोई बंद करता है क्या? नहीं। ए, फोन पे बात करने के लिए लोग ही चाहिए ना। हाँ? मैं देता हूँ, बुलाया है मैंने भिंडी बाजार से, पसंद कर लो। अट्रे नहीं नहीं, ये नहीं। वो मैं नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानूं कि तुझे बिजनेस चलाना है और मुझे मेरा हिस्सा देना है। समझ में आया कि समझाओ? समझिएगा छोरा। दिल लगे खोया खोया जाने कहाँ, जाने क्यों जगी मीठी सी तन्हाइयाँ। दोहराऊं मैं ख्यालों में बातें तेरी, छेड़े मुझे अकेले में यादें तेरी। जुबां पे कोई अनकही बात है, बता दे मुझे क्या यही प्यार है। कैसा नया मोड़ इस बार है, बता दे मुझे क्या यही प्यार है। ओ
मुस्कुराते यूं हंसते हंसाते ना जाने तो क्या कर गई। जब से हुई है ये दूरी नजर की है थम सी गई जिंदगी। ना तेरे बिना शामें ढले हैं ना तेरे बिना आए सुबह। निगाहों में ही कटे हर रात है। बता दे मुझे क्या यही प्यार 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 है। सर मैं आपको डाबला तक पहुंचाऊंगा, आप उसे अरेस्ट कर लेना। अच्छा आइडिया है तेरा, मतलब मैं उसे अरेस्ट करूं और तू चुपचाप धीरे धीरे अपना बिजनेस करते रहे। तुझे माइला तुझे ये ऐसा ऐसा धंधा करने में तुझे शर्म नहीं आई क्या? लेकिन सर हाय डैड। अच्छा सुन, चेंज ऑफ प्लान्स, हम ना एक फ्लाइट पहले आ रहे हैं, आज रात को निकलेंगे और कल लेट नाइट पहुंचेंगे। ओके ओके डैड। बाय बेटा। बाय। वैसे एक बात बता, तेरे बाबा को तेरे इस बिजनेस के बारे में पता है क्या? देख तूने कोई कानून तो नहीं तोड़ा है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज तोड़ी है, अपने बाबा का भरोसा। कानून तोड़ने की सजा कानून तोड़ने वाले को मिलती है, मगर भरोसा तोड़ने की सजा मिलती है भरोसा करने वाले को। तो कानून का ना सही लेकिन अपने बाबा का गुनहगार जरूर है। पता है सर, पता नहीं उनसे माफी कैसे मांगूंगा। माफी नहीं, प्रायश्चित करना होगा तुझे। अपना ये बिजनेस बंद कर, अपनी स्टडीज खत्म कर ले। बिजनेस तो बंद करना ही है सर। पर डाबला, डाबलों को आप मुझ पे छोड़ दो। फिर से ये डाबला इस वक्त मिलेगा कहां पे? मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन। तुम्हारी याद सतावे छे, जिया मा आग लगावे छे। कैसा बोला? ऐसा मीठा मीठा बातें बोलने का मैडम ने सिखाया ना वैसा। आगे से किसी को धमकी देना हो, पैसे मांगने हो, मर्डर करना हो, एकदम मीठा मीठा बोलने का। रियली डाबला जी? अभी 3 हफ्ता पहले ही एक बिल्डर को धमकी दिया। उसको बोला तुम्हारी बीवी हमारे पास है, जिंदा देखना चाहते हो तो 3 करोड़ रुपया भेज दे। बिल्डर बोला 6 करोड़ रुपया देता हूँ मगर बीवी को जिंदा मत भेजना। तो आपने उसे मार डाला है? पागल हो गया क्या छोरा? बिल्डर को बोला 10 करोड़ रुपया भेज, नहीं तो बीवी को वापस भेजता हूँ। वैसे डाबला जी, आप ये बस फोन मोन पे धमकी देते हो या एक आधा मर्डर भी किया है? ले करवात, एक आधा मर्डर की बात करता है। अरे इतना मर्डर किया है ना कि प्रोग्राम बनवाना पड़ा वो बिल गेट से। किसका सुपारी लेना है, नाम तारीख कब खून करना है सब कुछ प्रोग्राम में फिट। अच्छा तो सारा डिटेल्स कंप्यूटर में? हाँ तो ऐसे लोगों का क्या भरोसा भाई, कब जाके उल्टी गुलाट मार दे।
उठ चल। तू तो लागी गयो बका। यश यश चल चल। यश यू ओके? ठीक है यश। लेट मी सी, बहुत दर्द हो रहा है। आई एम फाइन। भी नहीं बचे, उनका बिजनेस भी नहीं रहा और अब तो ये ऑफिस भी खत्म। यश यार तू वैसे क्यों? हे गाइस, मैं सुश की एंगेजमेंट पार्टी पर अगर ये स्ट्रैपलेस गाउन पहनूं तो गाउनलेस स्ट्रैप पहन बेटर लगेगी। हाँ अनु, तुम सुश की पार्टी पे क्या पहन रही हो? आई एम नॉट कमिंग। क्यों? यू हैड टू से इट। हां तुम चुप नहीं रह सकती। यश का तो सोचो। क्या सोचूं? He dumped Sush, शादी से मना कर दिया। How can he? Dad को प्रॉमिस किया है उसने। USA जाने का ना, अब तो वो प्रॉमिस भी फुलफिल नहीं हो रहा। क्यों नहीं? Fines कहाँ है और अब तो बिजनेस भी खत्म। केटी सही कह रही है। केटी ना ही पैसा बचा है और ना बिजनेस। It's all over guys, it's all over. No, it's all over. Dad को इतनी सारी बुरी खबर देनी थी तो सश की बात मान लेते। कम से कम शादी की अच्छी खबर तो दे सकते। केटी, गाइस गाइस, वी आर ऑन टीवी। टीवी? कल रात मुंबई के एक कॉल सेंटर में हुए शूटआउट के बाद मोस्ट वांटेड डॉन डाबला सुपारी को गिरफ्तार किया गया। डाबला सुपारी ने मुंबई में अपना खौफ जमाए रखा था लेकिन अंत में मुंबई पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई। yes! और अब बिजनेस न्यूज। सबरवाल इंडस्ट्रीज की कल पब्लिक मीटिंग हुई। सबरवाल इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 30% बढ़ गया है। मीटिंग के बाद मिस्टर सबरवाल ने मीडिया को संबोधित किया। मिस्टर सबरवाल ने कहा कि हमें ये अनाउंस करते हुए खुशी होती है कि इस साल सबरवाल इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट 30% बढ़ गया है। वी आर आल्सो गोइंग टू डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 28%। दिस जस्ट गोज टू प्रूव दैट जो भी लोग सबरवाल इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ते हैं हमेशा फायदे में रहते हैं। हमने सोशल सर्विस की है और अपने शेयर होल्डर्स के लिए प्रॉफिट भी बनाया है। सॉरी वी क्लोज्ड। लेकिन क्यों? बस नहीं करना बिजनेस। ऐसा मत करो। मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे पिंकी से बात करा दो प्लीज। पिंकी छुट्टी पे है। बुला दो ना प्लीज। और ये प्रॉफिट हमने पूरी ईमानदारी से कमाया है। सबरवाल इंडस्ट्रीज में हम अपने उसूलों के पक्के हैं। मुझे पिंकी चाहिए। अगर कोई घूस ऑफर करे या कोई गैर कानूनी काम करने को कहे तो हम कह देते हैं नो थैंक यू प्लीज। यश ये मानता ही नहीं। पिंकी से बात करना चाहता है। कहता है पिंकी का आशिक है। क्या कहा उसने? पिंकी का आशिक। पिंकी का आशिक है। हेलो हेलो कोई सुन रहा है? अगर आप लोग भी अपने उसूलों पे अड़े रहें देखो अब तो मंजिल अपने आप आपके सामने आएगी। मेरी एडिक्शन। अगर कोई भी काम करने से आपका जमीर मना करे तो वो काम ना करें। दिल तो आपको ललचाएगा लेकिन आप दिल से कहें नो थैंक यू प्लीज। मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की मुझे कोई पसंद नहीं आई। मैंने सबसे कह दिया नो थैंक यू प्लीज। आज फिर जीने की तमन्ना है आज फिर मरने का इरादा है। आज फिर जीने की तमन्ना है पिंकी को मिलने का भी वादा है।
कुछ कुछ तो करने का इरादा है। कम इन, दरवाजा खुला है। कम इन। अपनी आंखें बंद करो। लो कर ली। अब मुड़ जाओ। लो मुड़ गया, अब क्या करूं? बैठ जाओ। कहां बैठूं? बेड पे। बेड पे। लो बैठ गया। अब तुम क्या करोगी पिंकी? तुम मेरे लिए क्या करोगे सुप्पू? मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मांग के तो देखो। सबरवाल इंडस्ट्रीज का बिजनेस हमें वापस दे दो। कौन हो तुम? तुम पिंकी नहीं हो? अनु। अनु? कौन अनु? और पिंकी कहाँ है? पिंकी यहाँ है सुप्पू। अगर आपकी इस असलियत का आपके शेयर होल्डर्स को पता चल गया फिर क्या होगा? देखो मेरी एक गलती हुई है, उसकी इतनी बड़ी सजा मुझे मत दो, फिर से ये गलती नहीं करूंगा मैं। मुझसे भी तो एक ही बार गलती हुई थी ना सर। डोंट वरी, आई विल फिक्स इट। हाउ कम डैड। अरे कहां लेके आ गया मुझे? अरे देखो तो सही आप डैड। एक मिनट, मेहरा कॉल सेंटर ये? डैड कम विद मी, कम विद मी। अरे लेकिन ये डैड कम ना। वेलकम 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 सबरवाल जी, आप यहाँ? दैट्स राइट, और ये है तुम्हारा ऑफिस। मेरा ऑफिस? दैट्स राइट, तुम्हारा नया ऑफिस, और इसी ऑफिस से तुम मेरा यूएस का बिजनेस भी संभालोगे। यश डैड आइए प्लीज। एंड देव वन मोर थिंग, आई हैव डिसाइडेड कि यश की यूएस की पढ़ाई का सारा खर्च मैं दूंगा। क्या यश, क्या बोल रहे हैं? डोंट से नो। देखो हमारी सबरवाल इंडस्ट्रीज का एक ट्रस्ट है, उसमें स्कॉलरशिप्स हैं। डोंट वरी अबाउट दिस, कम ऑन। आई डोंट नो व्हाट टू से। डोंट से एनीथिंग, जस्ट गो एंड लुक अराउंड। आई एम स्पीचलेस। लेकिन भाई इतना बड़ा बिजनेस हम संभालेंगे कैसे? संभाल लेंगे सर, यश के दोस्त भी हमारे साथ हैं, और ये वासु अब मेरा असिस्टेंट। असिस्टेंट मैनेजर सर। यश तुम्हारे लिए चेक है। चेक? चेक? जी हाँ चेक, मोस्ट वांटेड डॉन डाबला सुपारी को पकड़वाने के लिए। वाह ये सब कैसे किया भाई? मैं बताता हूँ अडवाणी जी। पंडी, पंडी। भाई सर, यश ने ये सब कैसे किया ये मैं जानता हूँ, क्योंकि यश ने मुझे कल सब कुछ बता दिया था। हाँ। और अगर ये नहीं भी बताता तो भी मुझे पता चल जाता, क्योंकि मैं इसका बाप हूँ। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब वो रॉन्ग नंबर लगा था। फिर मैंने वर्मा जी से बात की, शुरू में तो मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा तो लगा कि भाई हाँ, अगर सही तरीके से चलाया जाए तो फिर ऐसी एक फ्रेंडशिप लाइन का होना बहुत जरूरी है। इनफैक्ट वर्मा जी ने ये कुछ कस्टमर से बात भी की है, ये देखिए। अब शहर में कोई तो है जिससे हम दिल की बात शेयर कर सके। दूसरा देखिए, मैं तुम लोगों के साथ बात करके मेरी जवान बेटी को समझ पाया। हम दोनों के बीच एक जनरेशन गैप हो गया था जो तुम लोगों ने मुझे समझा कर दूर कर दिया। मेरे बच्चे फॉरेन में रहते हैं, मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, पर आप लोगों से बात करके मेरा मन हल्का हो गया है। मुझे एक सच्चा दोस्त मिल गया जिससे मैं खुल कर बात कर सकती थी। देखा, I can't believe it, ये सब नाटक है। नाटक नहीं, सच है डैड। आपने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था तो I was getting depressed, कोई भी मेरी सुनता ही नहीं था। फिर
यश से मेरी फोन पे बात हुई। उसने मुझे सुना और समझाया कि प्रॉब्लम से भागना नहीं चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। अगर बात ना होती तो शायद मैं सुसाइड कर लेती। कोई जॉइंट फैमिली के मामा काका तो है नहीं जिनके साथ आप अपना सुख दुख बांट सको, ना ही वो गांव का चौराहा है जहां पे अपने दोस्तों के साथ बैठकर आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सको। अब जो भी है ले दे, ये फोन है जिसके जरिए हम सब कुछ करते हैं, तो क्यों ना इस फोन के जरिए हम जिंदगी को जीने का तरीका भी सीख जाए। हाँ डैड, बाहर से तो एवरीवन इज हैप्पी, ब्रांडेड सक्सेसफुल, ब्रांड्स के पीछे अपनी असलियत छुपाते, यू नो, branded shoes, branded clothes, branded watch, even hairstyles are branded these days. Everything is branded. लेकिन सिर्फ एक ही चीज है जो branded नहीं है, हमारा दिल। ये दिल हमारे अंदर धक धक तो करता रहता है लेकिन ये बेचारा बिल्कुल खाली है। उससे बात करने वाला, उसकी सुनने वाला कोई चाहिए? Exactly. अपने दादा दादी से पूछो, क्या उन्होंने अपने बचपन में किसी से डिप्रेशन का नाम भी सुना था? हमने ये डिसाइड किया है कि हम ये फोन लाइन कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन एक नए नाम के साथ, कॉल एट लाइफ। कॉल एट लाइफ, नाइस, आई लाइक इट। एक ऐसी फ्रेंडशिप लाइन जिसे लोग अपना दोस्त माने और दिल खोल के अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करें। यश, तुमने इतनी बड़ी प्रॉब्लम को हाईलाइट करके बहुत बड़ा काम किया है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। गिव मी अ हग। थैंक यू डैड। क्यों रही हो? मैं यूएस जा रहा हूं, कारगिल नहीं। मैं कार रो रही हूं। तो फिर ये आंखें के लिए ऐसे ही हैं। I'll miss you, Yash. Me too. फोन करो और हम फोन पे फ्लर्ट करेंगे। उसमें तो तुम एक्सपर्ट हो। एक्सपर्ट तो पिंकी है, यश को तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। ए यश, बाय माँ। जी तेरो कुछ को, लव यू। बाय डैड। बाय, हैव अ नाइस ट्रिप। बाय बाय गाइस। अरे अब बाय करता रहेगा या जाएगा भी? चाहता हूँ ना डैड, जल्दी क्या? अच्छा भूल गया, जो फास्ट है वो फर्स्ट है। Go. Bye. 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 Breaking news. आज सुबह दाबला सुपारी पुलिस की हिरासत से फरार हो गया। ये कैसे हुआ जानने के लिए गवर्नमेंट ने एक जांच कमेटी बिठाई है। कमेटी के रिपोर्ट आने वाले 35-40 सालों में आने की संभावना है।